अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली फूड एंड केक रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। तो आज ये मेरे हस्बैंड की डिमांड है, उन्हें खिचड़ी खाने में बहुत पसंद आती है। तो ये मैंने यहाँ पर भिगो लिया है साबूदाना। ये मैंने कैसे भिगाया है ये मैं दिखाना आपको भूल गई, तो मैं डिटेल में बताती हूँ सब मैंने कैसे भिगाया है। इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेना है साबूदाना को, और फिर पानी डालकर कम से कम 15 से 20 मिनट पानी में रखना है, और बाद में 15-20 मिनट के बाद पानी इसका निकाल लेना है। जैसे हम चावल भिगोने डालते हैं उसी तरह से इसका पानी निकाल कर इसे ऐसे सूख के रख देना है। तो 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे के बाद ये देखिए ऐसे मोती जैसे बन जाएंगे। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मूंगफली के दानों को भूनकर मिक्सी में पीस लिया है ऐसे दरदरा सा, देखें इसके छिलके निकाल कर। और यहाँ पर एक आलू लिया है, ऐसे कट कर लिया है ऐसे गोल गोल पीसेस में। आप छोटे पीस में भी कट कर सकते हो, कच्चे है ये, उबाले नहीं है, आप उबाल कर भी डाल सकते हो। और यहाँ पर 3 हरी मिर्च लिए है काट कर, और ये हरा धनिया, कोई कोई इसमें टमाटर भी डालता है, मैं नहीं डालूंगी, मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो चलो आगे हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस साबुदाने में हम ये मिला लेंगे मूंगफली का जो पीस कर रखा है, मूंगफली के दानों को। ये साबुदाना 1/2 किलो है, 250 ग्राम, और ये शायद 100 ग्राम होगी ये मूंगफली के दाने। और इसमें डाल देंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से डालना आपने, और इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। दाने को जितना भी 2-3 घंटे के लिए भिगोएंगे उतने अच्छे मोती जैसे ऐसे खिले हुए भीगेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई रखी है मैंने, इसमें हम तेल डाल देंगे। तीन चम्मच तेल डाला है मैंने इसमें। मैंने ये हरी मिर्च रखी थी, इसे तल लूंगी मैं। डालेंगे हम और डालेंगे इसमें अपने ये आलू, इसे तल लेना है हमें। कम गैस पर ही तलना है, कम फ्लेम पर, ताकि ये अंदर तक पक सके। तो ये देखिए आलू अपने पक चुके हैं, यहाँ पर ये देखिए टूट रहे हैं। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च कटी हुई, आप चाहो तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। अब डालेंगे साबूदाना,
से हल्के हल्के हाथों से भुनेंगे हम। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बस जरा से डालेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई होगी तो उसमें बना लेना, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अगर अच्छे से भीग जाए साबुदाना तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है कढ़ाई में। इसमें डालेंगे अब हम हरा धनिया। गैस पे ही भूननी है इसे। अब खिचड़ी तो सबके घर में बनती है, मैं जरा सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो सोचा चलो दिखा देते आप लोगों को भी। डालेंगे इसमें आलू। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए खिचड़ी बन गई है यहाँ पर अपनी। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे प्लेट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसी पर मैं प्लेट रखूंगी। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी है खिचड़ी कढ़ाई में। ये देखिए
ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी मोती जैसी खिचड़ी बनी है यहाँ पर। बिल्कुल भी ऐसी चिपकी चिपकी नहीं बनी। तो आपको आज की मेरी ये साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और अब इस तरह से ज़रूर बनाना, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।